उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भड़के हिंसा को शांत हुए अभी कुछ ही घंटे बीते होंगे कि देवरिया में बवाल हो गया, जिसमें कट्टरपंथियों की घिनौनी करतूत सामने आ गई। हिंदुओं को लेकर रचे जा रहे साजिश का खुलासा लगातार हो रहा है। यूपी के अलग अलग जिलों में इनका तांडव जारी है, आतंक खूब मचा रहे हैं, जिसके बाद योगी सरकार को तगड़ा एक्शन लेना भी पड़ रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी बहराइच के बाद देवरिया में मचे बवाल की। देवरिया में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल, हिंदू युवक पर मुस्लिमों ने किया हमला, सीएम योगी के आदेश पर एक्शन जारी, पुलिस ने अंगूर आलम को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के देवरिया में दुर्गा मूर्ति के विसर्जन जुलूस पर इस्लामी कट्टरपंथियों ने हमला कर दिया। हमले में दो हिंदू युवकों को चाकू मार दिया गया, एक युवक को अधिक चोटें आई। चाकू घोंपने के बाद अंगूर आलम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसे आपसी रंजिश का मामला भी बताया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार देवरिया के सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के मझौली राज में हिंदू दुर्गा मूर्ति विसर्जन का जुलूस निकाल रहे थे। ये जुलूस गंडक नदी के तट तक जा रहा था। इसमें बड़ी संख्या में युवक शामिल थे। जब ये जुलूस मझौली राज के शाही चौराहे पर पहुंची तो इसमें कुछ मुस्लिम युवक भी शामिल हो गए, चोरी छिपे घुस आए और इन्होंने हिंदू युवकों से विवाद करना चालू कर दिया। हिंदुओं ने इसका विरोध किया तो हिंसा पर उतर आए। उन्होंने राजन पटेल पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में राजन गंभीर रूप से घायल हो गया। उसको बचाने आए युवक जितेश सिंह को भी चाकू लगी, वो भी घायल बताया जा रहे। चाकूबाजी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। विसर्जन जुलूस में चाकूबाजी करने के बाद ये सभी मौके से भाग गए। हिंदुओं ने यहाँ इसके बाद प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और आरोपित की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। हिंदुओं ने अंगूर आलम नाम के एक व्यक्ति पर हिंसा करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना में घायल हुए युवक राजन पटेल ने बताया, मेरा नाम राजन पटेल है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। विवाद इसलिए हुआ क्योंकि विसर्जन जुलूस में मुस्लिम पक्ष आकर जबरदस्ती घुस गए, नाचने लगे और इसके बाद मारपीट चालू हो गई। हमने हटने को कहा तो नहीं हटे, वो लोग मुझे मिलकर मारने लगे। मेरे अलावा एक और युवक को मार मार के घायल कर दिया। विवाद पर डीएम और एसपी ने क्या कहा। इसके बाद देवरिया के एसपी और डीएम भी मौके पर पहुंचे थे। देवरिया के डीएम दिव्या मित्तल ने बताया कि देवरिया के मझौली राज में आज एक दुर्गा मूर्ति विसर्जन था। इस विसर्जन जुलूस में कुछ लड़के बाहर से घुस आए, इसके बाद आपसी विवाद हुआ और लड़ाई झगड़ा हुआ। इस लड़ाई में राजन नाम का एक युवक घायल हुआ है, उसका इलाज सीएससी सलीमपुर में करवाया जा रहा है। उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुख्य जो आरोपी है अंगूर आलम, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। वही मामले में देवरिया के एसपी संकल्प शर्मा ने बताया कि देवरिया जनपद के सलेमपुर थाना में विसर्जन जुलूस के दौरान कुछ युवकों में झगड़ा हुआ, इसमें एक युवक को चोटें आई हैं। परिजनों की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर एक मुकदमा दर्ज किया गया है। मुख्य आरोपित की गिरफ्तारी भी कर ली गई है, विसर्जन भी संपन्न हो गया है। बता दें कि हिंदुओं पर हमले के मामले में सलेमपुर के विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने भी संज्ञान लिया। उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र सलेमपुर के मझौली राज में मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं पर विभिन्न कट्टरपंथियों द्वारा घुसकर धारदार हथियार से किए वार से अत्यंत दुखी और निशब्द हूं। सभी घायल श्रद्धालुओं के इलाज के लिए निजी और जिला अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिया गया है। बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश के ही बहराइच में दुर्गा मूर्ति विसर्जन जुलूस में शामिल राम गोपाल मिश्रा नाम के एक युवक की मुस्लिमों ने हत्या कर दी थी और विसर्जन जुलूस पर पथराव किया था। इस मामले में अब्दुल हामिद का पूरा परिवार आरोपित है और उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस लगी हुई है। भदोही में दुर्गा पूजा पंडाल में लगा दी आग। भदोही में शरारती तत्वों ने दुर्गा पूजा पंडाल में तो आग लगा दी। इस विरोध में गांव वालों ने जमकर पत्थरबाजी की और हंगामा भी मचाया। हंगामे में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। पुलिस को मामले की सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि दो पक्षों में मारपीट शुरू हो गई, जिस बीच शरारती तत्वों ने पंडाल में आग लगा दी। हालांकि इससे पहले ही मूर्ति विसर्जन पूरा हो चुका था। मामले में पुलिस पर भी लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया गया। जानकारी के अनुसार चौरी थाने के गरुड़पुर और मानसिंहपुर गाँव के लोगों में तनाव फैल गया है। प्रतिमा विसर्जन के दौरान विवाद हुआ, मारपीट और पत्थरबाजी में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। पुलिस ने एक दर्जन को हिरासत में लिया। दोनों प्रतिमाएं रात में ही विसर्जित की गई। विसर्जन के
पहले आरती के दौरान कहा सुनी हुई थी जो विवाद में बदल गई। बताया जा रहा है कि मानसिंहपुर में देर रात मूर्ति विसर्जन को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई। एक पक्ष द्वारा पंडाल जलाया गया, हालांकि पंडाल जलाने से पहले मूर्ति का विसर्जन हो चुका था। थाना क्षेत्र चौरी के ग्राम गरुड़पुर में रविंद्र पटेल ने दुर्गा प्रतिमा की स्थापना की, साथ ही ग्राम मानसिंहपुर में विकास पटेल ने भी दुर्गा प्रतिमा की स्थापना की। दोनों प्रतिमाओं की पूजा अर्चना के बाद गरुड़पुर तालाब में इनका विसर्जन होना था। विसर्जन के लिए प्रतिमा तालाब पर पहुंच चुकी थी, आरती का कार्यक्रम चल रहा था, तभी अचानक से बत्ती चली गई, यानी कि लाइट कट गई, जिसको लेकर गरुड़पुर और मानसिंहपुर के बीच विसर्जन में गए लोगों ने तार जोड़कर किसी तरीके से जनरेटर से बत्ती चलाई। बत्ती कटने के दौरान किसी अराजक तत्व ने एक पत्थर फेंक दिया, जिसमें दोनों गाँव के लोग आपस में पड़ गए और लड़ गए और इस तरह से विवाद बढ़ता चला गया। दुर्गा पूजा पंडाल में मारपीट पर बवाल। और अब बात बस्ती की। जिले के मुंडेरवा थाना क्षेत्र के चितौनी में दुर्गा पूजा पंडाल में मारपीट की घटना सामने आई। आरोप है कि पंडाल के पास खड़ी कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। एसआई कन्हैया पांडे ने बताया कि 3 नामजद और 4-5 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। चितौनी निवासी और प्रधान अशोक कुमार निषाद ने थाने पर तहरीर देकर बताया कि उनके गांव में दुर्गा पूजा का कार्यक्रम कई वर्षों से आयोजित होता आ रहा है। 7 अक्टूबर को दुर्गा पूजा प्रतिमा स्थल पर पूजा कार्यक्रम चल रहा था। रात करीब 9 बजे आसपास के कुछ लोग दुर्गा पूजा देखने आए थे और कार्यक्रम के दौरान उत्पात मचाने लगे। गांव के लोगों ने मना किया तो अपशब्द कहने लगे। शोर सुनकर अशोक कुमार निषाद भी मौके पर पहुंच गए। समझाने की भरपूर कोशिश की गई तो उन्होंने अपशब्द कहते हुए मारपीट शुरू कर दी। दुर्गा पंडाल में उपस्थित लोगों ने किसी तरीके से बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। वहीं आरोपियों ने मौके पर खड़ी कार को आग के हवाले कर दिया और उसके शीशे भी तोड़ दिए। जाते जाते जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने इसे थाने के नगरा निवासी कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। प्रतिमा विसर्जन के दौरान विवाद में दो की हत्या। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए विवाद में किशोर और युवक सहित दो की हत्या हो गई। पहली घटना में 15 वर्षीय किशोर को कुछ मनबड़ युवकों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी, तो वहीं दूसरे मामले में एक 26 वर्ष के युवक जो दुर्गा पंडाल में रखी प्रतिमा के दर्शन करने आया था, जहाँ कुछ युवकों से विवाद के दौरान उसे पीट पीट कर मार डाला गया। पुलिस ने घटना में शामिल कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, वही अन्य की तलाश जारी है। गोरखपुर के राजघाट थाना क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए आपसी विवाद में 15 वर्षीय किशोर की चाकुओं से गोदकर हत्या करने का मामला सामने आया। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल कायम है, वही अन्य की तलाश जारी है। खजनी निवासी 15 वर्षीय अंकुश निषाद 13 अक्टूबर को अपने कुछ साथियों के साथ ननिहाल मूर्ति विसर्जन में आया था। यहाँ पुरानी रंजिश के तहत कुछ युवकों ने उसे घेर लिया। जब उसने जान बचाकर भागने की कोशिश की तो आरोपियों ने उसे दौड़कर चाकू से गोदकर लहूलुहान कर दिया और फरार हो गए। इस घटना की जानकारी पर पहुंचे परिजनों ने अंकुश को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य की तलाश जारी है। वहीं दूसरी घटना झंगा क्षेत्र की है, जहाँ कुशीनगर का रहने वाला 26 वर्षीय अरविंद कुमार अपनी बहन की ससुराल ब्रह्मपुर ब्लॉक के नवा बारी पलिया में मेला देखने आया था। यहाँ दुर्गा पंडाल पर कुछ युवकों ने उसका विवाद हुआ। विवाद के दौरान युवकों की तरफ से उसकी पिटाई कर दी गई। घायल अवस्था में उसे उसकी बहन के घर के बाहर लाकर छोड़ दिया। घर वाले युवक को पीएससी लेकर आए, जहां डॉक्टर ने उसे मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। तभी रास्ते में ले जाते वक्त अरविंद की मौत हो गई। परिजन की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। घटना के बारे में एसपी सिटी का कहना है कि दोनों मामलों में तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और तलाश जारी है। फिलहाल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जल्द ही सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। दोनों ही घटना में मूर्ति विसर्जन के दौरान युवकों के बीच हुए आपसी विवाद के बाद घटना को अंजाम दिया गया है। पर्दाफाश में फिलहाल के इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूँ। मैं लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूँ। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूँ। ना कोई दौड़ ना कोई रेस। कैपिटल टी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।